सब अच्छे हो और सेफ होगे। तो आज का वीडियो जो है ना वो स्पेशली मैंने छठ पूजा के लिए क्रिएट किया है। यस, छठ त्योहार जो है बहुत ही बड़ा त्योहार है और स्पेशली ये बिहार और झारखंड के लोग करते हैं और मैं भी बिहारी हूँ, मैं पटना से हूँ। सो या ये फेस्टिवल जो है ना बहुत ही बड़ा फेस्टिवल होता है और इस छठ फेस्टिवल में हम छठी मैया की पूजा करते हैं, सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। सो वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आप लोगों को अपने तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। छठी मैया करें कि आप सब की मनोकामना पूर्ण हो, आप सब अच्छे से रहें, खुश रहें। सो या ये जो सिंदूर मैंने लगा रखा है ना, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैंने इतना ज़्यादा नाक से लेकर क्यों मैं लेकर गई हूँ, तो हमारे छठ फेस्टिवल की ये मान्यता होती है ये सिंदूर इस तरीके से लगाना। जो छठ करती हैं वो औरतें नाक से लेके मांग पूरा भर लेती हैं इस ऑरेंज सिंदूर से। सो अभी भी मैं आप लोगों को, पता नहीं मैंने आप लोगों को बताया है कि नहीं, कि मैं अभी छठ में अपने घर जा रही हूँ, मीन्स पटना जा रही हूँ, जिसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सो या बहुत ज़्यादा बातें हो गई, इंट्रो भी बहुत ही लंबी हो गई, सो ज़्यादा बातें नहीं करते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम स्किन केयर से स्टार्ट करेंगे क्योंकि स्किन केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेकअप करने से पहले, और ऐसे भी आपको स्किन केयर रूटीन को हमेशा फॉलो करना चाहिए। जब तक आप स्किन पे अपने ध्यान नहीं दोगे आपका मेकअप कभी भी अच्छा नहीं होने वाला है। तो मैंने ऑलरेडी अपने फेस को क्लीन कर लिया है, यूज़ कर रही हूँ कामा आयुर्वेदा का टोनर। टोनिंग कर लिया हमने, अब मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज करूंगी और मैं यूज कर रही हूँ ये पॉन्ड्स का सुपर लाइट जेल मॉइस्चराइजर। ये ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर है और जैसा कि मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि मुझे ये मॉइस्चराइजर जो है ना मेकअप के अंदर यूज करना बहुत ही ज्यादा पसंद है। ये मॉइस्चराइजर जो है ना ये ऑल स्किन टाइप है, बिल्कुल भी ग्रीसी स्टिकी नहीं करता आपके फेस को। मॉइस्चराइजर के बाद मैं अप्लाई करूंगी प्राइमर। प्राइमर हमें कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए, वो हमारे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है, हमारे बेस को इवन बनाता है। सो मैं यूज कर रही हूँ ये लैक्मे का एब्सोल्यूट ब्लर परफेक्ट मेकअप प्राइमर, काफी दिनों बाद मैं आज इसे यूज कर रही हूँ। सो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे ये प्राइमर जो है, क्रीम बेस्ड प्राइमर है और ये पिंक टिंट में आता है, आप देख सकते हो, और आप विदाउट मेकअप भी इसे यूज कर सकते हो। मुझे तो बहुत सही लगता है ये आपको एक लगाने के बाद ना एक ब्राइटनिंग इफेक्ट देगा, आप देखना मेरे फेस पे। दिख रहा है, बहुत ही अच्छा एक ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है ये प्राइमर जो है। मूव ऑन करते हैं फाउंडेशन की तरफ। मैं यूज कर रही हूँ ये नायका का स्किन जीनियस स्कल्पटिंग एंड हाइड्रेटिंग फाउंडेशन, बहुत ही अच्छा एक ड्यूई ग्लोई बेस देता है और मुझे बहुत ही नेचुरल सा लगता है ये। तो इस तरीके से मैं डॉट डॉट करके इसे अपने पूरे फेस पे लगा लूंगी। और ईयर्स को तो कभी नहीं भूलना चाहिए, मेकअप जो है इवन ही नहीं लगेगा। नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूं वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर, इसमें मेरा शेड है लाइट मीडियम बेस। अपने बेस को सेट करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये स्विस ब्यूटी का लूज पाउडर, और इस पाउडर के बारे में भी मैंने बहुत बार बोला है कि मुझे ये पाउडर जो है ना काफी ज्यादा पसंद है। सेट जो मैं यूज कर रही हूँ ये है 02 बनाना पाउडर। बनाना पाउडर में क्या बेनिफिट होता है ना कि जब हमें लूज पाउडर खरीदना होता है और हमें शेड का समझ में नहीं आता कि हम कौन सा खरीदे, तो बनाना पाउडर ये एक ऐसा शेड है कि आप डेफिनेटली सारे ही स्किन टोन पे जाता है। सो या क्योंकि ये येलोइस इन कलर होता है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं आई मेकअप की तरफ। तो मैं यूज कर रही हूँ ये SFR का हीटेड विथ लव आई शैडो पैलेट, और इसमें से मैं
ये ब्राउन शेड को यूज करूंगी और इसे अपने क्रीज पे बिल्ड करूंगी। एज ए ट्रांजिशन शेड मैं इसे यूज कर रही हूँ। तरीके से मैं इसे आउटर वी पे प्लेस करूंगी कलर को, प्लेस करते हुए कलर को और अंदर की तरफ ऐसे लेकर जाऊंगी और इसे ब्लेंड कर दूंगी। क्रीज को कर लेने के बाद मैं ये गोल्डन सा कलर जो है ना इसे अपने आईलिड पे प्लेस करूंगी। सो इसके बाद मैं उसी ब्राउन कलर को अपने लोअर लाइन पे प्लेस कर रही हूँ जिसे मैंने अपने क्रीज पे लगाया था। सॉरी गाइस, मेरे से ना ग्लिटर लगाते हुए और जो सिमर सेड मैंने गोल्डन कलर का लगाया है वो क्लिप मेरे से डिलीट हो गई बाय मिस्टेक से, सो दैट्स व्हाई मैं नहीं यहाँ पर ऐड कर पाई। आई एम सो सॉरी। इसमें लाइनर के लिए यूज कर रही हूँ ये NYV का लाइनर और बहुत ही पतला सा एक लाइन ड्रॉ करूंगी। फिर मैं अपने वाटर लाइन पे लैक्मे का आइकॉनिक काजल यूज कर रही हूँ इन द शेड रेगल ग्रीन। सो आप चाहो तो ग्रीन की जगह पे आप ब्लैक शेड को भी अपने वाटर लाइन में यूज कर सकते हो। मस्कारा के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये लैक्मे का ही आइकॉनिक कर्लिंग मस्कारा। अब मूव ऑन करते हैं फेस मेकअप की तरफ। तो मैं यूज कर रही हूँ ये लॉरियल का बैक टू ब्रॉन्ज ब्रॉन्जर इन द शेड सनकिस्ट 02। बहुत ही प्यारा सा ये ब्रॉन्जर है। सो आजकल ये मेरा करेंट फेवरेट बना हुआ है। मैं कहीं भी जा रही हूँ मैं इसे ही यूज कर रही हूँ। सी काफी अच्छा सा ये ब्रॉन्जर जो है और मैट ब्रॉन्जर है, अच्छा सा एक वॉर्म्थ प्रोवाइड करता है ये ब्रॉन्जर जो है। और ब्रॉन्जिंग करने से ना आपके इस फेस में बहुत ही अच्छा एक वॉर्म्थ आ जाता है। आपका फेस जो है थोड़ा सा स्कल्प्टेड नजर आता है। सो अगर आप बहुत ज्यादा स्किनी हो तो आपको ये स्टेप करने की जरूरत भी नहीं है। बट मैं तो अभी बहुत ज्यादा चबी हो रखी हूँ तो मुझे तो इस स्टेप की बहुत जरूरत है। फोरहेड को आप जब भी ब्रॉन्ज करो या कॉन्टूर करो ना आप अपने हेयर लाइंस के पास करना, इससे नेचुरल सा लगता है। सो या मैं यूज कर रही हूँ ये के ब्यूटी का ब्लश और ये भी एक मैट ब्लश है आप देख सकते हो। और जो शेड मैं यूज कर रही हूँ ये है शुगर कैंडी। कितना प्यारा सा ये कोरली पीची कलर है ना, बहुत ही परफेक्ट है। सो ब्रश के लिए मैं यूज कर रही हूँ एक कफ एलेसिस का ब्रश। और आप सिर्फ ब्लश को एक जगह प्लेस नहीं करना है, आपको ऑलवेज उसे भी आपको ब्लेंड करना है। आप मेकअप में जितना ज्यादा ब्लेंडिंग पे ध्यान दोगे ना आपका मेकअप उतना ही अच्छा लगेगा। और इससे भी ना आपका बहुत ही नेचुरल सा लगता है। हाइलाइटर के लिए मैं यूज कर रही हूँ नायका का हाइलाइटर। शेड जो मैं यूज कर रही हूँ ये है ग्लिटरी टाटी 02। आपको इसमें दो शेड मिल जाता है। सो ये काफी अच्छा डील है। तो इसमें से मैं दोनों को इस तरीके से मैं मिक्स करती हूँ और फिर यूज कर लेती हूँ। बहुत ही सटल सा हाइलाइटर है ये। सो आपको अपने हाइलाइटर को ना हमेशा अपने हाईएस्ट पॉइंट्स पे लगाने हैं। अपने आईज के इनर कॉर्नर को और ब्रो बोन को भी मैंने इसी पैलेट से मींस इसी हाइलाइटर से हाइलाइट कर लिया। सो ये मैंने अपने आईज को भी कर लिया। ये स्टेप में मुझे काफी ज्यादा पसंद है। इससे आपका आईज जो है ना
बहुत ही ओपन अप लगता है और बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। मेकअप को फिक्स करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर। लिपस्टिक लिए मैं यूज कर रही हूँ मेबलिन सुपर स्टे मैट इंक लिक्विड लिपस्टिक इन द शेड 135 ग्लोब ट्रोटर। काफी खूबसूरत सा शेड है ये, और ये जो लिपस्टिक है ना ये लिपस्टिक जो है ना काफी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, मीन्स आराम से 16 to 18 आवर्स तक रहता है, और इसे आपको उसके बाद भी आपको इसे रिमूव करना पड़ता है। बहुत ही अच्छी लिपस्टिक है, अगर आप कोई लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक चाहते हो ना वेयर करना किसी बड़े ओकेजन में, पार्टी में, फंक्शन में, जबकि आपको बहुत देर तक आपको रहना होगा, देन आप उस टाइम पे इस लिपस्टिक को अप्लाई कर लो। डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के शेड वेरियंट्स मिल जाएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग शेड ले लो। सो मैंने इसी लिपस्टिक से बिंदी को भी लगा लिया है। अब मैं सिंदूर वेयर कर लेती हूँ, जो कि इस फेस्टिवल में मीन्स मान्यता है सिंदूर को लगाने की, मीन्स आप नाक से लेके आप यहाँ तक अपने मांग को भर लो, ये इस छठ फेस्टिवल में मीन्स कंपलसरी है, होता है, इसकी बहुत ही ज्यादा मान्यता है। ये मैंने ज्वेलरी वेयर कर ली, मीन्स मांग टीका लगा लिया, नथ पहन लिया मैंने, और सिंदूर लगा ली, जिसकी की बहुत बड़ी मान्यता है छठ फेस्टिवल में। जो औरतें छठ करती हैं वो इस तरीके से नाक से सिंदूर लगाती हैं, अपने मांग को भरती हैं, और ये ऑरेंज कलर का ही सिंदूर होता है। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। या आप देख सकते हो, जल बीच खड़ा